नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पजल मास्टर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट्स। देखिए, आने वाले समय में आपका पटवारी का एग्जाम होने वाला है, जिसके कि सिलेबस में कंप्यूटर भी एक पार्ट है। और कंप्यूटर में काफ़ी बड़ा टॉपिक है एमएस ऑफिस, आप जानते होंगे इसको। और काफ़ी वर्जन हैं, 2016 इसका लेटेस्ट वर्जन है। तो देखिए, एमएस ऑफिस में भी तीन पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो मेन तीन पार्ट हमको पढ़ने होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो और भी पार्ट हैं। तो देखिए, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, इसके इन तीनों में से ही मैं बात करूंगा एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और एमएस वर्ड में देखिए कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं। और अगर अपन बात करें व्यापम के एग्जाम्स की, अगर आप 20 नंबर का कंप्यूटर मान के चल रहे हैं तो उसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपको शॉर्टकट कीज के ऊपर जरूर देखने को मिलेंगे। शॉर्टकट कीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे देखिए कंट्रोल प्लस एन का क्या मतलब होता है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं तो ये ओपन न्यू फाइल करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो देखिए, आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोल प्लस एन, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, कंट्रोल प्लस एन का मतलब होता है ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो। देखिए, इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर आपको कोई, आप एमएस वर्ड स्टार्ट करते हैं और आपने कुछ टाइप किया और आपसे कुछ गलती हो गई, इसमें आपने काफ़ी बड़ा वर्क कर लिया, आप चाहते हैं नई फाइल ओपन करना, तो आप फाइल में से जाके न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन वहाँ से खोल लेते हैं। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट इसका चाहिए तो कंट्रोल प्लस एन आपका उसका शॉर्टकट है। तो देखिए, और अगला आपका आ गया कंट्रोल प्लस ओ, देखिए, या फिर इसे हम कंट्रोल प्लस F12 के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, अगर हमने कल किसी फाइल में वर्क किया है और आज हम चाहते हैं उसमें कुछ एडिट करना है, उसको दोबारा देखना, तो हम कंट्रोल प्लस ओ से एमएस वर्ड खोलेंगे, कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे, तो एक विंडो इस टाइप की खुल के आएगी और जो कल हमने फाइल बनाई थी उस पर हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके वो फाइल ओपन हो जाएगी। और देखिए, सेव, अब सेव करने के लिए अगर हम किसी फाइल में वर्क कर रहे हैं और उसमें हमने, मान लीजिए या तो सडनली पावर कट हो जाता है, तो उसके लिए भी सेव करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लीजिए कल हमने किसी फाइल में वर्क किया और आज हमने उसमें कुछ एडिट कर दिया और उसी में कुछ सेव आगे और जोड़ना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस कर देंगे, शिफ्ट प्लस F12 कर देंगे, तो उससे उसमें बाकी की चीज़ें और ऐड हो जाएंगी। लेकिन हमने कल किसी फाइल में वर्क किया और हमने उसी फाइल के नीचे उसमें आगे और कुछ काम किया है आज, और हम चाहते हैं कल वाला काम वो अलग सेव रहे और आज वाला काम अलग जाके सेव हो जाए, उसी में ऐड हो जाए, लेकिन तो उसके लिए हम करेंगे F12 और उसको अलग नाम से सेव कर देंगे, तो वो क्या है, सेव एस से हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस पी, या फिर इसे हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 भी बोलते हैं। आप देखिए, फाइल में जाके प्रिंट करते हैं किसी पेज को, तो ये उसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस पी, इससे प्रिंट हो जाता है, प्रिंट विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, उसमें आपकी पेज सेटिंग जो भी आप सेट करेंगे, फिर उस हिसाब से प्रिंटर भी सेट करेंगे और प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। और देखिए, कंट्रोल प्लस F2, इसका मतलब क्या है कि आपके, आप फाइल खोलते हैं वहाँ पे आपका प्रिंट प्रीव्यू करके एक ऑप्शन आता है कि आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि किस टाइप का जो मैटर मैंने टाइप किया है वो किस टाइप का दिखेगा प्रिंट में, तो यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2। और ये देखिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए एक शॉर्टकट है F7, आप जो भी टाइप करेंगे उसके बाद F7 प्रेस करेंगे तो आपकी स्पेलिंग में जहाँ जहाँ एरर होगा वो दिखा देगा। और उसके बाद आता है F5, वैसे तो देखिए रिफ्रेश करने के भी काम आता है, लेकिन अगर आपका डेस्कटॉप वाली विंडो ओपन है, तो अगर आपका एमएस वर्ड ओपन है तो आपका जो विंडो खुल के आएगी, कुछ इस टाइप की विंडो खुल के आएगी, उसमें आपकी तीन चीज़ें रहेंगी, एक सबसे पहले ओपन रहेगा, फिर रिप्लेस रहेगा और फिर गो टू विंडो, इस टाइप का ऑप्शन रहेगा। तो देखिए, आपको क्या करना है, इसमें आप ओपन करेंगे इसको तो फाइंड वाला आ जाएगा। अगर मान लीजिए फाइंड में मैंने डाल दिया शॉर्टकट, तो शॉर्टकट जितनी भी जगह होगा वो फाइंड कर लेगा। और शॉर्टकट वर्ड को अगर आपको किसी चीज़ से रिप्लेस करना है, यानी कि शॉर्टकट को मैं डिस्क्रिप्शन से रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैं सेकंड में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और ओके कर दूंगा, तो जितनी जगह शॉर्टकट लिखा होगा वो डिस्क्रिप्शन से रिप्लेस हो जाएगा। तो चलिए आगे के शॉर्टकट्स पढ़ते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस एक्स। मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को ये पता होगा, जो भी थोड़ा बहुत भी एमएस वर्ड यूज़ करता होगा। इसका मतलब होता है, ये कट करने की डायरेक्ट कमांड होती है कट, और ये होती है कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने की। कॉपी और कट में बस इतना छोटा सा डिफरेंस होता है कि एक चीज़ को उठा के दूसरी जगह रखते हैं, लेकिन कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं तो पुरानी जगह से वो चीज़ गायब हो जाती है, और कंट्रोल प्लस सी में वो पुरानी जगह भी रहती है और नई जगह भी आ जाती है, यानी कि दो दो जगह वो चीज़ हो जाती है। और कंट्रोल प्लस वी से हम पेस्ट करते हैं, और इसका एक और शॉर्ट है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। कॉपी या पेस्ट कट जो भी आप करेंगे उसको दूसरी जगह रखने के लिए आप कंट्रोल प्लस वी का यूज़ करेंगे या फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट का ही यूज़ करेंगे।
और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज करने के लिए होता है। हाँ देखिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का मतलब है, अगर देखिए हमने कुछ फॉर्मेट टाइप किया है और उसका हमें फॉर्मेट कॉपी करना है, जैसे कि इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, जो भी हम उसके बारे में, या फिर उसका फॉन्ट का जो भी है, कैलिब्री है, न्यू टाइम्स रोमन है, जो भी हम डालते हैं उसको फॉर्मेट को हम सिलेक्शन कॉपी कर लेते हैं, यानी कि बाकी का जो बीच का पार्ट है वो सारा फॉर्मेट इससे कॉपी हो जाता है जो भी है। तो देखिए अगला आपका आता है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड आता है आपका अंडू करने के लिए। ये मान लीजिए आपने कोई चार लाइन टाइप की, आपको लास्ट वाली लाइन में कुछ एडिट करना था, आपने वो बैक स्पेस से मिटा दी, लेकिन आपको याद आता है कि आपने वो गलती से मिटा दी है, तो आप अंडू करते जाएंगे। अंडू एक बटन होता है इधर कुछ इस टाइप का रहता है, वो इस पर हम क्लिक करते जाएंगे तो वो अंडू होता जाएगा और एक एक करके दोबारा वो छपता जाएगा, पूरी लाइन आ जाएगी। और इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जेड, लेकिन आपको अंडू का जस्ट रिवर्स करना है, जिसे हम रीडू के नाम से जानते हैं, उसका एरो कुछ इस टाइप का होता है। ये देखिए, ये बना देता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे, या फिर इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वाई, तो ये सिर्फ जस्ट उसका अपोजिट कर देता है। और F1 से हेल्प होता है, ये तो आपको पता ही होगा। और F4 से आता है रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि देखिए अब जैसे कि मैं टाइप करूंगा द करूंगा तो लास्ट एक्शन क्या है E, तो ये इससे क्या है E ऐसे टाइप होता ही जाएगा आगे। देखिए अगला आता है कंट्रोल प्लस K। ये देखिए, ये काफी यूजफुल है और ये काफ़ी पूछा भी जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट है, बाकी जगह आप देख रहे होंगे कि उसी का उसी से रिलेशन निकलता है, जिसकी देखिए डी का डेट से, एफ का फाइंड से, और पीछे भी हम देखें देखिए सी का कॉपी से, इधर भी ये सी का कॉपी से निकल रहा है, तो मतलब कि ये के का हाइपरलिंक से नहीं निकलता है कनेक्शन, तो ये पूछा जाता है इसीलिए। तो ये आप देखते हैं कि कई बार हम कुछ भी यूज़ करते हैं, उधर लिखा रहता है क्लिक हियर, तो हम क्लिक हियर पर क्लिक कर देते हैं, वो आपको दूसरी विंडो पर पहुंचा देता है या दूसरे पेज पर पहुंचा देता है, क्लिक हियर से क्लिक करते हैं तो ये हाइपरलिंक, यानी कि आपको इस टाइप की एक लिंक ऐड करने के लिए, आप कुछ भी बना रहे हैं उसमें हम एडिट करके एक करके एक ऐसा बॉक्स सा बना देंगे कि क्लिक यहां जाने के लिए इस पर क्लिक करें, तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हम उस लिंक को उधर कॉपी कर देंगे, तो आप एकदम तुरंत दूसरी विंडो पे पहुंच जाते हैं। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस के। और ये आता है आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार। ये शॉर्टकट की देखिए किस लिए यूज होती है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए व्यू और हाइट, ये पूरी लाइन लिखी हुई है और इसके बीच में एक स्पेस है, इधर भी एक स्पेस है, इधर भी एक स्पेस है, और इसके बाद एक एंटर का साइन है, क्योंकि इसके बाद हम नीचे भी गए होंगे, तो ये चीज़ें हैं जो कि दिख नहीं रही हैं अभी। और इस कमांड को अगर आप यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार, तो ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी जो कि प्रिंट होके नहीं आती हैं, जिन्हें हम नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर बोलते हैं, तो ये चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। और देखिए अगली कमांड है कंट्रोल प्लस एंड। आप देखिए, अगर मान लीजिए इसका यूज़ ये है, अभी तो हम छोटी फाइलों पर काम करते हैं, आने वाले समय में हम बड़ी बड़ी फाइलों पर भी काम करेंगे, जो करीब 100 से 100 पेज या 500 पेज जो भी फाइल होगी, और हम स्टार्ट करते हैं फाइल की स्टार्टिंग करेंगे और फर्स्ट पेज पे होंगे, हमको डायरेक्ट 500 पेज के लास्ट पे जाना है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। और इस कमांड का हम यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एंड, तो देखिए 500 पेज के सबसे लास्ट में हम ऐसे करके पहुंच जाएंगे, हमारा कर्सर पहुंच जाएगा, और अगर हम वहां पहुंच गए तो हमें सबसे ऊपर आने में भी काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसके लिए भी हमें हमारी कमांड होती है कंट्रोल प्लस होम, तो सबसे आगे हमारा आ जाएगा कर्सर, और सबसे पहले पेज के सबसे आगे। और कंट्रोल प्लस एफ जो होता है, ये होता है फाइंड बॉक्स, यानी कि हमें कोई चीज़ सर्च करनी है। मान लीजिए हमें याद होगा इंग्लिश में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आजकल पूछा जाता है कि मान लीजिए शॉर्टकट एक वर्ड है, ऐसा पूछ लिया जाएगा शॉर्टकट के एंटोनिम क्या है, शॉर्टकट का सिनोनिम क्या है। मान लीजिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अब हम पूरा पैसेज पढ़ने का, अगर हमको घर पर करने का टाइम मिले, तो उसके लिए हम चीटिंग करके ये यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एफ करेंगे और उसमें शॉर्टकट करके डाल देंगे, तो वो बता देगा आपको उस पैसेज में शॉर्टकट वर्ड कहाँ यूज़ हुआ है, तो हम देख लेंगे। अगर हमें उसका मतलब नहीं पता कि किस तरीके से उसको यूज़ करा गया है, तो जहाँ जहाँ ये वर्ड होगा वहाँ वहाँ ये आपको फाइंड करके बता देगा कि यहाँ यहाँ ये वर्ड है इस कमांड से कंट्रोल प्लस एफ। ठीक है, अगला आया इंसर्ट द करेंट डेट। इसका क्या शॉर्टकट होता है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, डी फॉर डेट एंड टी फॉर टाइम, इसीलिए ये है टाइम के लिए और ये है डेट के लिए। अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं और उसमें एक डेट वाली चीज़ आई, आपको पता है कि डेट का शॉर्टकट ये है ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, तो आप तुरंत डालेंगे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी और उधर आज की डेट प्रिंट होके आ जाएगी।
और अगर आपको कुछ ऐसा काम है उसका आपको उधर टाइम भी लिखना है तो ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी करेंगे तो उधर टाइम भी लिख के आ जाएगा। देखिए अगली जो कमांड है ये तो रिपीट हो गया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल क्विकली क्रिएट ए ब्लॉक पॉइंट। आप देखिए अगर कुछ टाइप करते हैं पॉइंट वाइज आप टाइप कर रहे हैं या तो उस जगह पे स्टार बने आएंगे या कुछ इस टाइप के पॉइंट बने आएंगे या एरो बने आते हैं और उसी के जस्ट नीचे ऐसे हम लिखते जाते हैं पॉइंट जो भी हैं हमारे या स्टार ले बनाते हैं जो भी हम बनाते हैं तो उन्हें हम बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। और एक के बाद एक बनाने के लिए हमारे लिए शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे हम शॉर्टकटली बना लेंगे। तो अगला है कि चेंज द फॉन्ट। देखिए हमें फॉन्ट चेंज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ एक कमांड है, इसके लिए हमारे पास एक इस टाइप का बॉक्स ओपन होकर आएगा, उसमें जो भी हमें फॉन्ट साइज डालना है वो हम डाल सकते हैं और फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और अगली आपकी कमांड है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन है, इसके लिए क्या होगा कि जो भी आपका जो आपने देखिए जो भी आप फॉन्ट है आपने जो भी लाइन बनाया जैसे कि ये बनाया, मैं इंक्रीज को ऐसे राइट क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लूंगा, जैसे हम सिलेक्ट करते हैं माउस से तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे फिर इसमें ये कमांड डालेंगे तो क्या है कि मैं मतलब इसका समझाता हूँ आपको, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा एक पॉइंट के बाद 12 पॉइंट 2 पॉइंट ये लिखा क्या है। देखिए इसको हम जो भी है इसको सिलेक्ट कर लिया फिर इस कमांड को दबाएं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, मान लीजिए इसका साइज 8 है फिर 8 से 9 हो जाएगा तो एक बार और दबाएंगे तो 9 से 10 हो जाएगा, एक बार और दबाएंगे तो 10 से 11 हो जाएगा, एक बार और दबाएंगे तो 11 से 12 हो जाएगा, लेकिन 12 के बाद जो है एक बार और दबाएंगे तो फिर 14 होगा फिर 16 होगा, ऐसे कर करके बढ़ता जाएगा, फिर 12 के बाद जो है दो दो करके बढ़ेगा, 12 से पहले क्या एक एक करके बढ़ेगा। इसी का जस्ट अपोजिट होता है इसमें, इसमें क्या है डिक्रीज होता है, अगर मान लीजिए 20 पॉइंट का कोई कैरेक्टर है उसका जो साइज है वो 20 है और हम अगर इसको दबाएंगे तो 20 के बाद 18 16 14 12 ऐसे करके आएगा फिर 12 के बाद 11 10 9 ऐसे करके एक एक करके बढ़ेगा। और इसका मतलब होता है देखिए अगला क्या है कंट्रोल प्लस ये अंदर वाला ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं इसको जो कि अंदर की साइड है, ये क्या बढ़ाएगा आपका फॉन्ट का एक प्लस पॉइंट बढ़ा देगा, मान लीजिए इसको इससे फर्क नहीं पड़ेगा इसका ऐसे बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके एक एक करके बढ़ता जाएगा साइज फॉन्ट का जो भी आप फॉन्ट उसमें सेलेक्ट करेंगे पार्टिकुलर। और इसी का जस्ट अपोजिट डिक्रीज करता जाएगा ये एक एक पॉइंट कंट्रोल प्लस इस अंदर वाला स्क्वायर ब्रैकेट, ये अंदर वाला ये बाहर वाला है और कंट्रोल प्लस ए इसका तो इस कमांड का हम काफ़ी यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस ए कमांड होता है सिलेक्ट करने के लिए, आपकी अगर 100 पेज की एक फाइल है उसमें आप कंट्रोल प्लस ए कर देंगे तो 100 पेज के सारे कैरेक्टर एक बार में सिलेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए ये आ गया कंट्रोल प्लस ई। अब देखिए अगर आपको पता होगा एमएस वर्ड आपने ध्यान से देखा होगा तो आप देखते होंगे कि इस टाइप की चीजें बनी रहती हैं इसमें, ये 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 इस टाइप की चीजें और सेंटर के लिए बनी रहती हैं ये 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 इस टाइप की चीजें हैं। तो जो सेंटर के लिए बना रहता है ये वाला सिंबल जिसमें कि सारी चीजें सेंटर में आ जाती हैं एक बार में और सेंटर में कर्सर रहता है, आप जो भी टाइप करना शुरू करेंगे वो सेंटर से बढ़ती जाती हैं फिर इधर उधर उधर को वर्ड बढ़ते जाते हैं आप जितना टाइप करते जाएंगे लेकिन स्टार्टिंग आपकी कर्सर की सेंटर से ही होगी। तो उसकी एक शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस ई, इसमें सारी चीज़ें सेंटर से शुरू होती हैं और कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई के लिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं बुक पढ़ते हैं जो भी पढ़ते हैं आपने देखा होगा इधर से एक लाइन से शुरू होते हैं लेटर्स और इधर एक लाइन से ख़त्म होते हैं और बीच में आपने देखा होगा वो अपने हिसाब से इधर अगर कुछ भी लिखा हुआ है इधर एक का स्पेस है कहीं दो का दे देते हैं, वो जो भी करते हैं उसको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि ये लाइन प्रॉपर मेंटेन रहे दोनों तरफ, कहीं से भी लेटर्स आपके बाहर नहीं निकलेंगे और कहीं ज़्यादा फंसाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, वो इस तरीके से मैनेज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जस्टिफाई वाली कमांड। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस जे, इससे उसी तरीके से टाइप होगा जिस टाइप से आप न्यूज़पेपर में देखते हैं। कंट्रोल प्लस एल होता है कि लेफ्ट साइड से शुरू करने के लिए, आप अगर लेफ्ट में एक लाइन इस टाइप की आ जाएगी फिर इस जो कि दिखेगी नहीं और इस टाइप से कुछ आप देख रहे हैं ऊपर होता है कुछ लिखने का इस टाइप से, इस पर आप क्लिक करते हैं ऊपर तो यही चीज़ हो जाती है लेफ्ट साइड से लिखना शुरू हो जाता है फिर यहाँ तक ख़त्म होता है फिर उसके बाद यहीं से शुरू होता है एक लाइन में इस टाइप से होगा और कंट्रोल प्लस आर से होता है यही चीज़ राइट साइड की तरफ से। आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा, इस टाइप से इसका सिंबल भी होता है, मैं सिंबल बना के बता रहा हूँ लिख के नहीं बता रहा हूँ, आप ऊपर देखेंगे एमएस वर्ड में पूरे के पूरे सारे आपको सिंबल दिखेंगे। अब आता है बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन, इन तीनों के शॉर्टकट होते हैं कंट्रोल प्लस बी कंट्रोल प्लस आई और कंट्रोल प्लस यू।
बोल्ड करने के लिए आपको पता है कोई भी अगर लेटर लिखा हुआ है वो बोल्ड करने के लिए यानी कि आर लिखा है मान लीजिए आर डबल ऐसे करके बोल्ड हो जाता है, और इटैलिक में क्या होता है कि ऐसे करके इटैलिक हो जाता है और अंडरलाइन में इसके नीचे अंडरलाइन ऐसे करके आ जाती है। आई होप आपको सारे शॉर्टकट की समझ में आए होंगे, एक बार इनका इम्प्लीमेंट भी कर लीजिए इनको एमएस वर्ड के ऊपर तो आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।